नमस्कार प्रणाम स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाई एसपी में बात करेंगे राजस्थान की आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता जीविका रसोईया इन सभी कर्मचारियों के मानदेय को लेकर के एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी के द्वारा यह ऐलान किया गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि अब राजस्थान के आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है दबा लीजिएगा इससे क्या होगा राजस्थान की आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप सभी को देखने और सुनने को मिलेगा तो मैं आप सभी कर्मचारियों को बता देना चाहता हूं अगर आप राजस्थान में आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं तो आप लोग अब हो जाइए तैयार क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने कर दिया ऐलान सभी आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में तीन गुना वृद्धि की जाएगी कितनी तीन गुना वृद्धि का ऐलान होने जा रहे हैं और आप सभी को अब जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी का कहना है सभी कर्मचारियों को एक सम्मानजनक मानदेय देने का निर्णय राजस्थान सरकार ले रही है आप सबको मानदेय में वृद्धि जो होगी वह बढ़े हुए मानदेय का लाभ आप सभी कर्मचारियों को दिवाली तक देखने को मिल जाएगा यानी दिवाली तक आप सभी आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा एवं जो मानदेय आएगा जो बढ़ा हुआ मानदेय है आप सभी के खाते में दिवाली तक आना स्टार्ट हो जाएगा अब बात आती है आप सभी को क्या दिवाली पर बोनस मिलेगा जी हाँ राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पाँच हज़ार रुपये तक आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को इस बार दिवाली का बोनस दिया जाएगा जो कि राजस्थान सरकार पहले नहीं देती थी लेकिन इस बार दिवाली पर सभी कर्मचारियों को दिवाली का बोनस भी दिया जाएगा साथ ही साथ आप सभी को प्रोत्साहन राशियाँ भी दी जाएगी उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर दबाई कर